और खबरों की शुरुआत करते हैं विभाग के घालमेल के साथ। स्वास्थ्य विभाग की हम बात कर रहे हैं, ऑपरेशन के नाम पर एसएमएस में खेल चल रहा है। ऑर्थोपेडिक विभाग में यह घटना सामने आई है जिसका खुलासा फर्स्ट इंडिया करने जा रहा है। ऑर्थोपेडिक विभाग में रॉड प्लेट लगाने के नाम पर गोरख धंधा देखने को मिला। पहले तो भामाशाह के मरीज से बाजार से महंगी प्लेट मंगवाई गई। ऑपरेशन के बाद जब मरीज के परिजन नहीं जमा करा सके पैसे, तो वार्ड में पहुंचकर डॉक्टर ने परिजनों को धमकाना शुरू कर दिया। पैसे जमा नहीं कराने पर रॉड निकालने तक की धमकी दे दी। जमुआ रामगढ़ का मरीज 16 सितंबर को एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में भर्ती हुआ था। अब वार्ड के पूरे घटनाक्रम का शर्मसार करता वीडियो वायरल हो रहा है। वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बचाव की मुद्रा में अस्पताल प्रशासन है। अब ऑर्थो विभाग के यूनिट है डॉक्टर आरसी मीरा ने तर्क दिया, भामाशाह में सिर्फ स्टील के ही इम्प्लांट आते हैं और जिस तरह की चोट मरीज को लगी उसमें एमआरआई करानी पड़ती है और स्टील के ही इम्प्लांट में बार बार एमआरआई नहीं कर सकते, तो ये तर्क दिया गया है। अस्पताल में टाइटेनियम इम्प्लांट नहीं मिलते इसलिए बाहर से मंगवाया गया। अब जरा हम समझने की कोशिश करेंगे, अपने सहयोगी से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे कि तर्क में कितनी सत्यता, इस तर्क को कितना सही माने। लेकिन उसके पहले जरा कैसे मरीज को धमकाया गया वो देखिए, वो सुनिए। दो दिन से मैं पागल की तरह चिल्ला रहा हूँ, आज हमारे दो मरीज तुम्हारे कारण कैंसिल हो गया। दो मरीज को जहाँ से तुम लाते हो सामान, उससे सामान नहीं भेजा है कि पहले जिससे हुआ है वो क्लियर कराओ। हमारा क्या मजाक बना रखा है पता नहीं है क्या, इतना सीधा बन रहा बैठ के बताया कि बताया कि नहीं बताया मैंने। हमारे हामी भरी या नहीं भरी है? बहुत बड़ा नहीं, कल इसने हामी भरी नहीं भरी है ना हामी, इसको अभी शाम में उल्टी में लेते हैं, प्लेट निकाल देते हैं, ठीक है। आप नहीं होगा कैसे क्या निकाल देंगे, जैसे निकालते हो ऑपरेशन करके पॉकेट का आ रहा है क्या? हम बोल रहे थे हमारे पास नहीं, तो भामाशाह से नहीं करेंगे, भामाशाह से नहीं होता है वो प्लेट, नहीं आती, समझ में नहीं आई बात। भामाशाह से नहीं आती वो प्लेट, भामाशाह से नहीं होती है वो प्लेट, नहीं आती है, नहीं आती है, उसको जो प्लेट इसमें लगे वो भामाशाह से नहीं आती है, समझ में आएगा? नहीं लगा सकते वो प्लेट, नहीं लगा सकते। तुमने इलाज करना मजाक समझ रखा है क्या? एक रट लेके आ जाते हो भामाशाह, अभी करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो, बस मेरे को इतना सा जवाब दो। इसके पैसे जमा कराओगे कि नहीं कराओगे? नहीं कराओगे तो इसके सामने होती नहीं लेंगे, ऑपरेशन थिएटर में लेंगे मरीज, तुम्हारे एक मरीज के कारण हम 10 को नहीं परेशान कर सकते, समझ में आएगा? मरीज का पाँव सही कराने आए हो, ऑपरेशन हो गया और अब नवाब की तरह बैठ के यहाँ पे ज्ञान बांट रहे हो। पैसे ही बहुत ज्यादा बता रहे हैं। मैं थोड़ी ना बता रहा हूँ, मेरा काम ऑपरेशन करना है। 25,000 के लग जाएंगे प्लेटें के, तुम्हें पता है क्या कितने लगते हैं? कितने ऑपरेशन? 25,000 में बता रहा हूँ। तुमने पता है क्या कितने ऑपरेशन कराए तुमने? कितने कराए तुमने? कितने कराए? तुम्हें क्या पता कितने लगते हैं ऑपरेशन में? किसी में 5,000 भी लगते हैं, किसी में 2 लाख भी लगते हैं, हर चीज अलग अलग होता है। यहाँ बैठ के नेतागिरी कर रहा है, नेतागिरी मैं कौन सा ले रहा हूँ? हमारे मरीज रुके तुम्हारे कारण, आज कंपनी जहाँ से आती है दुकान से उसने दो मरीजों का नहीं भेजा है, समझ में आई? तुम्हारे कारण दूसरे मरीज अटके पड़े, नॉर्थ नीचे वाले वार्ड में पड़े वो मरीज जिनको ऑपरेशन नहीं हुआ, जाके मिल लेना, जाके मिल लेना और जाके उनको जवाब दे देना कि उनको ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ तुम्हारे कारण। और अगर नहीं कर रहे तो अभी बोलो, अगर नहीं करवाने की क्षमता है गरीब आदमी तो तुम अभी बताओ, अभी के अभी हम इसको ऑपरेशन थिएटर में लेंगे। आप क्या देख रहे हो? उधर चलो, नहीं है तो तुम अभी बताओ, समझ में आ रहा है? तो सुना आपने, अगर पैसे नहीं है तो अभी बताओ, गरीब आदमी हो तो अभी बताओ, अभी इसको ऑपरेशन थिएटर ले जाएंगे, इस प्लेट को निकाल देंगे, इस तरीके की धमकी दी जा रही है। और वो जब जो तीमारदार है वो कहता है कि भामाशाह योजना, तो कहते हैं ये भामाशाह के अंदर नहीं आता, ऐसी प्लेट नहीं लगती भामाशाह के अंदर। और ये भी कहा जाता है कि बार बार एक ही रट मार रहे हो भामाशाह, कहा जाता जैसे हमने लगाया है वैसे प्लेट हम निकाल देंगे। तो ये आपने सुना, अब जानने की हम कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में भामाशाह के अंतर्गत ये प्लेट नहीं आती है, क्या वाकई में दूसरी प्लेट जो भामाशाह के अंतर्गत आती है जिसकी बात यहाँ कही जा रही है वो यहाँ नहीं लगाई जा सकती थी, या जानबूझकर पैसे बनाने के लिए सब कुछ किया गया। और ये जो कह रहे हैं कि अलग अलग ऑपरेशन के पैसे होते 5 लाख से 2 लाख, ये रेट कैसे डिसाइड होता है? जो ऑपरेशन हुआ उसका असल में कितना बिल बनता है? हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास जुड़ गया। विकास, ये पूरा वीडियो देखा, हैरान करने वाला है, लेकिन हकीकत जरा इसकी बताइए कि जो प्लेट लगाने की बात कही जा रही है वो भामाशाह के अंतर्गत है कि नहीं है, क्या वही प्लेट लगाना जरूरी था जो तर्क दिए जा रहे हैं? देखिए श्रीमा, ये जो पूरा मामला था एसएमएस मेडिकल कॉलेज के जो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है उससे जुड़ा हुआ है, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में लगातार इस पर की शिकायतें आ रही थी, जिसकी पोल जो है आज ये शमशा करता था, वीडियो सामने आया था, कल देर रात को हमने वीडियो ब्रेक किया था और ये भी बताया था
कि किस तरह से फर्स्ट इंडिया के अंदर जो हमने जो खबर चलाई थी उसमें बताया था किस तरह से कि जो डॉक्टर्स है वो किस तरह से मरीज पे दबाव बनाते हैं, किस तरह से बाहर से इम्प्लांट मंगाया जाता है। और सबसे खास बात ये है कि जो इम्प्लांट मंगाया गया था ये इम्प्लांट बाजार से मंगाया गया है, जबकि अस्पताल की आरएमआरएस ने साफ निर्देश दे रखे हैं कि अगर यदि बाहर से कोई इम्प्लांट मंगाया जाए तो उसकी बजाय आरएमआरएस को रिक्वेस्ट भेजी जाए, आरएमआरएस के जरिए ही इम्प्लांट मंगाया जाए। उसके बावजूद जो बड़े डॉक्टर है वो अपनी मनमानी पे उतरे हुए हैं और उसी का नतीजा है कि इस तरह से बाजार से बाहर से महंगे इम्प्लांट लगा करके मरीजों को गुमराह किया जा रहा है। इसमें दो तरीके से मरीजों को गुमराह किया जाता है। पहला तो ये कि अगर मरीज बाहर से इम्प्लांट लाने के लिए मना करता है तो उसको ये कहा जाता है कि आपका ऑपरेशन जो है थोड़ा डिले होगा, लेट होगा, जो कि मरीज के लिए सबसे बड़ा धक्का माना जाता है। उसके साथ ही ये कहा जाता है कि जो अभी मौजूदा इम्प्लांट है, जो भामाशाह कैटेगरी का मरीज है, गरीब मरीज है, उनको ये कह के गुमराह किया जाता है कि जो इम्प्लांट भामाशाह में लगाया जा रहा है, इस जो इम्प्लांट है वो घटिया क्वालिटी का है, अगर बेटर क्वालिटी का इम्प्लांट लगाएंगे तभी इसमें सक्सेस हो पाएगा। इस तरह से मरीजों को गुमराह किया जाए। लेकिन सवाल ये कि यही वो डॉक्टर थे जो कि इम्पैनल बना करके और इसी इम्प्लांट को उन्होंने भामाशाह के अंदर अप्रूव कराया और उसके बाद में अब यही डॉक्टर उस जो इम्प्लांट है उसको घटिया बता करके बाजार से दूसरे इम्प्लांट मंगाया जाता है। ये पूरा एक खेल जो है और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट लंबे समय चल रहा है। इसमें खास बात यह है सुषमा, अगर आप गौर करेंगे तो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के अंदर अगर जो यूनिटें हैं उन यूनिटों में से एक या दो यूनिटें तो ऐसी भी है जहां पर मरीज का जो इलाज है, ऑपरेशन है, वो 6 से 7 हजार, 8 हजार के बीच में हो जाता है। और अगर वही ऑपरेशन दूसरी यूनिट के किसी डॉक्टर के पास पहुंचता है तो उस ऑपरेशन की कॉस्ट जो है 40 से 50 हजार तक। ये बहुत हैरान करने वाली बात है विकास, ये बहुत हैरान करने वाली बात है। इसको बिल्कुल ये आश्चर्य देने वाली बात ये भी है, टोकाने वाली बात इतनी भी है कि कुछ डॉक्टर, ऐसा नहीं है कि सभी डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर जो अपने एथिक्स से समझौता नहीं करते हैं उन डॉक्टरों की बात कर सकते हैं हम आपको। हम नाम लेंगे तो किसी व्यक्ति विशेष का गुणगान हो जाएगा, लेकिन हम आपको ऐसे भी डॉक्टर बता सकते हैं ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के अंदर जो कि 8 से 10 हजार के खर्चे के अंदर पूरा ऑपरेशन जो है वो कर देते हैं, लेकिन वही ऑपरेशन दूसरे डॉक्टर के पास पहुंचते ही 40 से 50 हजार का उसका खर्चा बहुत ज्यादा। विकास, सवाल ये उठता है कि जो आपने कई सवाल उठाए यहाँ पर कि ऑर्थो इम्प्लांट के सामान बाहर से क्यों मंगाए जाते हैं, सवाल ये उठता है कि एक यूनिट में 5 हजार में से 10 हजार में ऑपरेशन होता है, कहीं पर 50 हजार की जरूरत हो जाती है। हॉस्पिटल एक, सुविधाएं एक, सरकारी जो योजनाएं हैं वो एक, तो फिर दिक्कत कहां पर है? चोटी कुछ बोलते हैं क्या? देखिए सुषमा, ये बड़े डॉक्टरों के बीच की आपस की ट्यूनिंग है और उसी का खामिया तो है मरीजों को झेलना पड़ता है, क्योंकि जब डॉक्टर बड़े हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो उनको कोई कहने की स्थिति में नहीं होता। यही वो वजह है कि इस तरह के केस सामने आते हैं, जो बड़े डॉक्टर इस तरह काम करते हैं तो उनको कोई कुछ नहीं कहता। यही वजह है कि जो डॉक्टर जो है बेखौफ होकर के इस तरह का जो घटनाक्रम है उसको अंजाम देते हैं। आप देखते हैं विश्वास के अंदर किस तरह से जो रेजिडेंट है, रेजिडेंट अगर खुद के स्तर पर अगर इस तरह से बात कर रहा होता तो कोई बात हो सकती थी, लेकिन ऐसा माना नहीं जाता कि ऊपर से बड़े डॉक्टर के बिना कहे इस तरह से रेजिडेंट आकर के वार्ड के अंदर मरीजों को धमकाते हैं और ये कहते हैं कि अगर पैसा जमा नहीं कराया तो लगाया हुआ इम्प्लांट जो है उसको वापस से बाहर निकाल दिया जाएगा। आप आश्चर्य की बात है कि जो मरीज जिंदगी मौत से जूझ रहा है उसको ये धमकी दी जाए कि आपका इम्प्लांट जो है तत्काल प्रभाव से बाहर निकाल जाएगा, तो उसके साथ क्या गुजर रही होगी? और उसको बाद में फिर दबाव बना के छुट्टी दे दी गई है। छुट्टी देने के बाद में जब अधीक्षक तक ये बात पहुंची तो उन्होंने पूरे मामले को में सख्ती दिखाने के बजाय, कार्रवाई करने के बजाय उसको दबाने का प्रयास किया और ये कहा कि जो मरीज है उसको खुद के वार्ड में एडमिट कर लिया, क्योंकि अस्पताल अधीक्षक जो है खुद ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। और यही वो वजह, सबसे खास बात ये कि जो अस्पताल के मुखिया है वो अपने खुद के विभाग को ही अगर स्वच्छ नहीं कर पा रहे हैं, सुव्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं, तो अस्पताल को किस तरह से उनसे उम्मीदें की जा सकती है? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वही इस खेल को अगर नजरअंदाज करने की कोशिश करेंगे या इस पर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे तो ये खेल थमेगा कैसे, रुकेगा कैसे, जबकि सरकार इस चीज को लेकर बहुत संवेदनशील है। एसीएस साहब से भी जब हमने बात की थी कि कैसे एक मेडी क्लेम वाली जो कंपनी है, बीमा वाली कंपनी है, जब वो करती है तो वो कहते नहीं मरीजों को इलाज मिलेगा भामाशाह कार्ड के तहत, भामाशाह योजना के तहत उनको अच्छा सस्ता इलाज मिल सके, उसकी पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन पलीता लगाते ही अधिकारी, बड़े बड़े डॉक्टर्स। विकास, अब यहां पर सवाल उठता है कि जब अधीक्षक कार्रवाई नहीं करते, वो खुद इस खेल पर पर्दा डालते हैं तो बारी निगाहें सबकी एसीएस पर आ जाती हैं, क्या उनको इस मामले की जानकारी अब तक दी गई है? देखिए सुषमा, ये जो पूरा मामला है एसीएस जो है वो चिकित्सा विभाग के हैं और जो एक पूरा मामला है चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंदर आता है, जिसके अंदर की सचिव लगे हैं। और ये पूरा मामले में अब सबसे बड़ा सवाल यही है
कि जो ये घटनाक्रम होते हैं इनको क्यों दबाया जाता है। और अगर सबसे बड़ा एक सवाल ये भी है कि जब आरएमआरएस अस्पताल की आरएमआरएस बनी हुई है तो फिर मरीज से बाहर से इम्प्लांट बाहर से दवाइयां क्यों मंगाई जाती है। सरकार एक तरफ निःशुल्क दवा का दावा करती है, सरकार की मंशा है कि मरीज का जो पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो काफी कम हो और पूरे देश भर के अंदर पॉकेट एक्सपेंडिचर के मामले के अंदर राजस्थान जो है सबसे टॉप पायदान पर है, मतलब टॉप की स्थिति में है, जिसको लेके कई बार केंद्र की तरफ से बधाई का पत्र भी चिकित्सा विभाग को मिला है। लेकिन जो अस्पताल बड़े डॉक्टर जो है, बड़े अस्पतालों के बड़े डॉक्टर है, वो इस मंशा को, जो सरकार की मंशा है, उसको धूमिल करते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि लगातार इस तरह की शिकायतें रहो अस्पताल जो ऐसे में अस्पतालों की राजस्थान के सबसे बड़ी अपेक्स संस्था है उस अस्पताल के अंदर इस तरह के शरचार करते वीडियो अगर जारी होते हैं तो वो अपने आप में इस पूरी संस्था को करता रहता है। और साथ ही जो उच्च अधिकारी बैठे हैं उनके लिए एक नजीर है कि वो इस पूरे मामले सच्ची दिखाए और ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ इन डॉक्टरों का इलाज करे ताकि जो मरीज है उनको वास्तव में इलाज मिल सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास। उम्मीद यही करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमने जब खबर दिखाई है तो यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है, ये तो एक वीडियो बन गया जो वायरल हो रहा है। ऐसे ना जाने कितनी खेल हो चुके हैं, ऑपरेशन के नाम पर कितना मरीजों को लूटा जा चुका है। ये कहा जाता है कि भामाशाह के तहत जो इक्विपमेंट्स मिलेंगे, जो इम्प्लांट्स मिलेंगे, वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, बाहर भेजा जाता है जहाँ से कमीशन खोरी का खेल जारी रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है स्वास्थ्य महकमे के लिए।